বিহ কন্যার রূপ লৈছে অগ্নিকন্যায়। মমতা ব্যানার্জির এনআরসি বিদ্রোহে দেশজুড়ি সৃষ্টি করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। সাংসদ বিজয় চক্রবর্তীর মতে মমতার গৃহযুদ্ধর মন্তব্য দেশের বাবে ভাবুকি। সাংসদ রূপা গাঙ্গুলীর মতে ভোট ব্যাংকর রাজনীতি করেছে মমতায়। जो ममता बनर्जी ने जो सिविल वार की थ्रेटनिंग दिया है वो क्रांति के लिए बहुत खतरनाक है। ख्वाहिश है, एक सपना है कि वो पीएम बनना चाहते हैं। अगर ममता बनर्जी जी अपने राज्य को लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकती थी तो तब ना जाके वो सपना देखे, अब वो ही संभाल नहीं पा रही है और हर बात का बेकार का गलत लोगों को गलत तरीके से उस्काने के लिए बहकाने के लिए जो मुद्दे उठा रही है वो उनको तो लोगों की फिक्र नहीं है, वो कुछ करना नहीं है उन लोगों को, बेचारे लोगों को, उनको और कोई मुद्दा है नहीं। इस तरह से जो ममता जी कर रही हैं वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। মমতার নিকৃষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিখন রাজ্যতে এনআরসি প্রস্তুত করার দাবি বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর। দিল্লি বিজেপির নেতা মনোজ তিওয়ারির দাবি দিল্লিতে হব লাগে এনআরসি। कल से देखना चाहिए, अगर आखिर में ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और देखिए इसमें न्याय अन्याय देखोगे तो हमने हमारे देश की बंटवारा करवाई थी, 1/3 हिस्सा दे दिया था, परंतु एक बार पार्टीशन होने के बाद वही मुसलमान जिसके लिए हमने हमारी देश की बंटवारा की वही दोबारा यहाँ आ जाए, ये इसका क्या तर्क क्या हो सकता है, औचित्य क्या है? कम से कम थोड़ा देर से ही सही इस देश में केंद्र स्तर पे घुसपैठियों के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है, उनको वापस उनके देश में भेजने की बात हो रही है, तो इसमें ममता जी जैसे लोगों को परेशानी क्यों है? एकदम से हम सभी सांसदों ने सदन में भी इस बात को कही और हम अलग से भी इस बात को उठा रहे हैं, हमने चिट्ठी भी लिखी है, हमने गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है, हमने दिल्ली सरकार को भी चिट्ठी लिखी है कि भाई हमारे दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इस तरह के लोग आए हैं, तमाम सूचनाएं हैं, हम भी उनको जानकारी देंगे, उनकी भी जांच होनी चाहिए ताकि जो एनआरसी के तहत दिल्ली में भी घुसपैठी जो इलीगल ढंग से आए हैं उनको उनके देश वापस भेजा जा सके। সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর মন্তব্য ভারত কোনো ধর্মশালা নহয় যে যি কোনো লোক মন গলে আহি থাকি যাব। আনহাতে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের মন্তব্য বিজেপির উত্থানত শঙ্কিত হয়ে মমতায় ভোট ব্যাংক রাজনীতি করেছে। ये कोई धर्मशाला नहीं है हमारी देश की, कोई भी चटाई लेकर आ जाए और लेट जाए यहाँ, तो इन सबको निकालना है, इसमें हर स्टेट में एक एनआरसी होनी चाहिए क्योंकि ये सारे जो लोग बांग्लादेशों को मद्रासा से पैसा मिलती है, मौलाना और मस्जिदों से पैसा मिलती है और जो वेतन लेते हैं नौकरी करने के लिए, बर्तन साफ करने, वो इतना कम लेते हैं कि हिंदुओं को नौकरी मिलती नहीं है। और एनआरसी लेकर के तो आज एक पॉलिटिक्स कर रही हैं ममता बनर्जी, लेकिन सिचुएशन जो बन रही है बीजेपी जिस गति से हर देश के हर कोने में फैल रही है उससे डरी हुई है और इसलिए देखिए कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ तो कभी मुंबई तो कभी तमिलनाडु तक जाती है और द्वार द्वार भटक रही है, तो कितनी डरी हुई है इससे पता चलता है। पीएम होना तो छोड़ ही दीजिए, जीतना का थर्ड फ्रंट का चाहे डेमोक्रेटिक फ्रंट कुछ भी हो, अपना अस्तित्व बचा ले तो बहुत है। दूसरा एनआरसी को लेकर जिन्होंने खुद अशांति फैला रही है, ऐसे भड़काऊ भाषण दे रही है कि गड़बड़ हो जाए, असम में बंगाल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग जानते हैं जो गैरकानूनी विदेशी हैं उनको निकालना चाहिए, सबको ही चाहता है क्यों, सबका हक में वो लोग हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए ममता बनर्जी उसको दबाने के लिए अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ये सारी हथकंडे अपना रही है। অসমৰ শাসক বিৰোধী সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিছে মমতাৰ মন্তব্যৰ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য মমতাৰ বিৰুদ্ধে আইনে ল'ব ব্যৱস্থা। অগপ বিধায়ক পবিন্দ্ৰ ডেকাৰ অভিযোগ মমতাই সদায় অসম বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে। That is law will take its course. I have nothing to say. Yesterday I have already condemned that her statement is unwanted, that is provocative, and she should not say like that. But now it is the government to take care of that. Hokia dibo logo na. Mamata Banerjee
অসম বিদ্বেষী, অসমীয়া জাতি বিদ্বেষী আজি নহয় দিয়ক। প্রায় 1.5 লাখ নথি পত্র বিচরা হয়েছিল মমতা ব্যানার্জির সরকারের পরা, কিন্তু মাত্র 5,000 লোকরে নথি পত্র দিছে। কিয় উল্লেখ্য যে তৃণমূল কংগ্রেসের এনআরসির বিরুদ্ধে সরব হয়ে আছে সমাজবাদী পার্টি, টিডিপি আদি দলও। এনআরসির নামত দিল্লিত পানি ঘোলা করেছে মমতা ব্যানার্জিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট।